राम प्रवेश महतो सर, बापी नंदी सर, आस्तिक मंडल सर और मेरे प्यारे भाइयों और जो भी हैं टीचर्स, सभी को ये कहना चाहेंगे कि जब आए थे हम यहाँ पे तो डिफेंस का लेके फोर्स का लेके मेरा मन में कोई भी ये नहीं था कि हम डिफेंस में आएंगे चाहे फोर्स में जाएंगे। लेकिन दोस्त है मेरा राज, सर के पास आता था सुबह सुबह, वो मेरे को एक दिन उठा के लेके आया, बोला चल सर, सर आए हैं, कमांडो आए हैं, करवाते हैं वहां पे ग्राउंड में। तो सुबह उठा के मेरे को लेके आया ग्राउंड में, हम सर को देखे सर करवा रहे थे उस टाइम, डड्डू चाल करवा रहे थे ग्राउंड में। तो हम सोच रहे थे बैठे बैठे सर करवा रहे हैं हमसे, हो गए ये सब। तो सर मेरे को बैठा हुआ देखे वहां पे एक बना हुआ, वहां पे बैठे हुए, तो सर बोले बैठा हुआ है इधर आप, गए सर के पास। सर बोले तो ठीक है दौड़ता क्यों नहीं है, बोले सर कभी दौड़े नहीं है अभी तक आज तक। सर बोले ठीक है कल जूता पहन के आ जाना, अपने शू पहन के लगा के आ जाना सुबह सुबह ग्राउंड में। आ गया सुबह, हमको क्या पता था सर पहला दिन ही पूरा कमांडो का 5 किलोमीटर रनिंग करवाएंगे। अब बोल दिया चलो रनिंग करने, वार्म अप को हमको लगा वार्म अप करा के फर्स्ट दिन जैसा होता है 2 राउंड मरवा के छोड़ देंगे सर। बोले ठीक है चलो रोड रनिंग। सब सीनियर थे, करण भैया थे और भी तो राहुल। स्टार्ट हुआ लगभग 2 किलोमीटर तक सर के साथ थे, ठीक मजा आ रहा था। 2 किलोमीटर के बाद होता है ना फर्स्ट टाइम रनिंग के लाइफ में 5 किलोमीटर सर दौड़ा कर, साइकिल नहीं चलाया था कभी कंटिन्यू 5 किलोमीटर उस टाइम। तो ये उस टाइम सर का थोड़ा मार फटकार लगा, मन खराब लगा था। उस दिन हम बोले थे सर को, सर एक दिन में कोई घोड़ा नहीं बनता है, गुस्सा में ही बोले थे। लेकिन आज पता चला सही में एक दिन में कोई घोड़ा नहीं बनता है, समय लगता है, करना पड़ता है बहुत। सर थे, सर लगे हुए थे पीछे, छोड़ ही नहीं रहे थे सर, तो चाह रहे थे पहला कमांडो बना देंगे राम को, राम यार लंगड़ा घोड़ा। फिर भी आ गए पैरामिलिट्री में सर की वजह से, बहुत ध्यान दिया सर मेरे पीछे, बहुत मोटिवेट किए, सुबह में मार शाम को प्यार, शाम का प्यार बहुत अच्छा लगता था, सुबह का थोड़ा मार खराब लगता था। ये रिया है मेरा बहन से भी बढ़ के है, आंटी है, माँ समान है और भी है, राहुल भाई से बढ़ के है, सुबह उठाने का काम करता था मेरे को, हम उठते ही नहीं थे सुबह, तो सर का मार था आता थे, सर कभी कभी घर में आ जाते थे उठाने के लिए मेरे को। बस आप सबका प्यार ही था जो यहाँ तक आया सर। और भी है लाइफ में, जैसे जैसे माँ बाप हो गए, सर भी हो गए, बहुत कुछ बोलेंगे, कभी कभी बिना मतलब का पनिशमेंट भी लगेगा, लेकिन उसे खराब नहीं मानना चाहिए। या ग्राउंड में, ग्राउंड डेली रूटीन में जैसे सर कुछ भी कराते होंगे, पोछा हो गया, घास का काटना हो गया, चाहे जो भी डेली रूटीन में जो भी आता है, वो यहाँ पे लगता होगा ये बेकार है, सब कोई काम करने, लेकिन वहां जाके ये सब दैनिक रूटीन है, मतलब क्या बोलता है, दिन का शुरुआत पोछा से होता है और रात का भी समझ लीजिए साफ सफाई से होता है। तो डिसिप्लिन और साफ सफाई फोर्स में बहुत जरूरी है, खास करके डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन फोर्स चलता ही नहीं। ये है जो भी है, खराब मत किसी का भी, मतलब कोई भी सीनियर आके बोल दे कुछ भी बोल दे बैंड पोजीशन, तो खराब नहीं मानना है, बस ऐसे ही है। और बाकी सबका भी प्यार है तो ऐसे ही बना रहेगा, बस इतना ही। एकदम पीछे खड़ा होता था, मगर इसके अंदर जो एक गुण है, बहुत अच्छे गुण है, ये बच्चा जो है बहुत बजरंग बली का बड़ा भक्त, और जिस दिन बजरंग बली का ये होता है उस दिन वो खाना पीना भी नहीं खाते, और जब तक बजरंग बली का पूजा नहीं चढ़ता है और हनुमान चालीसा नहीं करते तब तक। हाँ, जोश था, जुनून था, जज्बात था, इन्होंने अपने जिस दिन ही आया था उस दिन से शायद लगभग 3-4 महीने, जी सर 4 महीना मेरे पास रह के इन्होंने अपना रनिंग बहुत अच्छा रनिंग कम्प्लीट किया, और साथ में 100 मीटर एंड 200 मीटर का बहुत अच्छा स्प्रिंटर है, क्योंकि आप अपने मुँह जवानी कुछ बोलिए। ठीक है सर के आज्ञा के साथ, आप सभी के आशीर्वाद के साथ हम अपना बात चालू करते हैं। हमें वैसा कुछ खड़े होके किसी के सामने स्पीच देने का या कुछ विशेष बताने का वैसा अनुभव है नहीं दोस्तों के लिए। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, सभी के चेहरे पे वो एक चमक दिख रही है जो होना चाहिए, एक फौज के स्प्रिंट में जो दिखना चाहिए। हमारे पास उस्तादों से जो सीखा है, सर से जो सीखा है, उन्हीं बातों में आता है कि किसी भी जवान के पास 3 चीजों का होना जरूरी है, वो 3D बोलते हैं हमारे पास, डिसिप्लिन, ड्रेस और डेडिकेशन। डेडिकेशन तो वो आप लोगों में बहुत ही
ऊंचे दर्जे का दिख रहा है। और ये चीज डिसिप्लिन का, जैसा कि भैया ने बताया, राम भैया ने, हमेशा सबसे आगे रखना है। डिसिप्लिन के बिना कोई चीज, आप अपने आप में देख लो, यहाँ के लिए नहीं है, आप बाहर भी जाओगे, फैमिली के साथ में भी, आप अगर डिसिप्लिन हो तो समाज में भी या किसी के सामने आपको एक अलग ट्रीट किया जाएगा, अलग से आपको विशेष मान सम्मान देखने को मिलेगा। और बिना डिसिप्लिन के ना आप खुद अच्छे लगोगे, ना आपके सामने कोई अनडिसिप्लिन दिखेगा, आपको खुद भी वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ रहते रहते आप लोगों में वो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से ढल चुका है, देखने से भी बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि सर के पास जब हम पहली बार आए थे, हमारा जीडी का रनिंग होने वाला था, उसके पहले ही सर के पास हमने ज्वाइन किया, सर को देख के एक अलग ही मोटिवेशन की, हाँ, देख के वो हार्डनेस टफनेस दिख रहा था कि हाँ सर के पास आ गए हैं, अब तो कुछ करके ही दिखा देंगे। और सर के पास जब हम आए थे, हमारा टाइमिंग बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा, और जीडी के रनिंग में बहुत ही, मतलब आज वेट लेकर वहां जैसे कि दोहराया जाता है, आज भी बहुत बढ़िया रनिंग हो रहा है। टेस्ट वगैरह में भी सर के आशीर्वाद से और बजरंग बली के आशीर्वाद से आज आदमी एक्सेलेंट मार के वहां से आया है, तो अच्छा लगता है। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे और मोरल हमेशा अप रखना है, कोई भी चीज हो, करना है तो करना है, लास्ट तक छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है, इसी तरह से लगे रहना है भाइयों, और होगा, जरूर होगा।